बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोल? खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है, हाथ जोड़ के माफी मांग रही है। प्रतीक्षा वैसे ना कोई मानते हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी कर्मचारी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं? आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोला कि नहीं बोला आपने बताओ? अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। अभी हम धरना दे रहे, जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी उठेंगे नहीं। भाइयों बहनों, हालत बहुत पतली है। आज चौथे चरण के मतदान हो रहे हैं, इससे पहले तीसरे चरण के मतदान में मैंने एक वीडियो आपको दिखाया था कि भाई जो पोलिंग अफसर था वो चुनाव को प्रभावित कर रहा था, ईवीएम से छेड़छाड़ कर रहा था, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया, उनके ऊपर आरोप लगे थे, जांच के निर्देश भी दे दिए गए थे। ये खबर मैंने आपको दिखाई थी ना, और आशंकाओं के ऊपर जो पर्दा भाजपा के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डाला गया था वो भी उठाया था, आशंकाएं दिमाग में खोपड़ी में जो घूम रही थी उनका स्पष्टीकरण भी दिया था। उस बात से आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगा होगा, लेकिन भाजपाई मंडली ने उसको भी नकार दिया। आज तस्वीर आ गई, वीडियो आ गई, जो बूथ अफसर होता है चुनाव आयोग का, एक महिला है, उन्होंने स्वीकारा है ऑन कैमरा कि मुझसे गलती हो गई। मोदी जी के फेवर में कैंपेन कर रही थी बूथ के ऊपर बीजेपी को वोट डालने के लिए, लोगों ने वीडियो बनाया, उन्होंने माफ़ी मांगी और कहा रहने दो, माफ़ी मांग रही हूँ। वीडियो आ गया सबूत के साथ कि मोदी जी ने बूथ पर कैसे चुनाव अधिकारी नियुक्त किए हैं, किसका डीजीपी यहाँ का वहाँ उठाकर डाल दिया, ये पुलिस के अधिकारी वहाँ से वहाँ, डीएम यहाँ, मन मर्जी के तहत अफसरों को नियुक्त करके और ऐसे ऐसे लोगों को बैठाया गया है। शर्म आनी चाहिए। इसी बात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही थी तो सवाल उठाया था जज साहब ने कि कोई इस तरह की कार्रवाई करता हुआ, गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो उसको कैसी सजा दी जाएगी, 5 महीने, 6 महीने, साल भर, ये सजा का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सजा कठोर होनी चाहिए, इसको आप अमेंड कीजिएगा, लेकिन अमेंड अभी तक हुआ नहीं है। तस्वीरें दिखाना चाहूँगा, महिला किस तरीके से पकड़ी गई मोदी के लिए कंपेन करती हुई और स्वीकार रही है और वीडियो नए बनाने की लोगों से गुजारिश कर रही है। नहीं वो करना ही नहीं, इनने कबूल भी ली अपनी गलती, अपने मतलब नहीं इनको यार। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ, पैर वगैरह मत पकड़ो, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी। आप हट जाओ, हम लोगों को आप तो हमको आप चाहिए ही नहीं अभी दिन भर। आप बोल दो उनको, आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो आप मोदी मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला? हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ? अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के उज्जैन से हैं। मोहनलाल यादव जी, क्या चल रहा है आपकी सरकार में? देश की जनता क्या इस सच्चाई से अनभिज्ञ रह जाएगी? भाई साहब, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वहीं पर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया कि इस महिला के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लोगों के ऊपर दबाव डाल रही थी। ये तो बाहर रिक्वेस्ट कर सकती है लोगों से मोदी जी के फेवर में, तो अंदर जाकर दबाव भी बना सकती है, ऐंठ भी दिखा सकती है। और विपक्षी पार्टियों के एजेंट इधर उधर होते ही ठकाठक गड़बड़ी भी कर सकती है नहीं कर सकती है। लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, कहा कि इंदौर में पहले ही आपने चीरहरण कर दिया, भाजपा के प्रत्याशी के ऊपर दबाव बनाकर नामांकन वापस कराकर भाजपाइयों को जिताने का रास्ता साफ कर दिया, अब उज्जैन में भी ऐसा ही करोगे क्या? देख लीजिए वीडियो। अच्छा, प्रत्याशी है महेश प्रभा सर, क्या आरोप है आपके? ये आरती मेडम में वार्ड क्रमांक उत्तरांक 37 पे खुले रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रही है, हाथ जोड़ के माफी मांग रही है और खुद ही पीठासीन अधिकारी को स्वीकार किया सेक्टर अधिकारी ने और अभी कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा आप सब निवेदन है कि आप न्याय दिला दीजिए, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी कर्मचारी एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ये अभी हम धरना दे रहे हैं, जब तक बड़ी कार्रवाई नहीं होगी उठेंगे नहीं, ये देख रहे हैं अभी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर धरना दिया जा रहा है, कांग्रेस के तमाम सारे कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। और मैं तो हमेशा से आपको जागरूक करता हुआ आया हूँ, आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ लूप होल हो सकते हैं, ये भी बताता हूँ कि इलेक्शन हो गए, ईवीएम सील हो गई, रिजल्ट 17C फार्म में लिख कर दे दिया गया एजेंट को, अब एजेंट अगर बिका हुआ होगा तो फॉर्म 17C में उसी के अकॉर्डिंग डाटा लिख दिए जाएंगे, ईवीएम में वैसे नहीं होंगे तो फिर क्या ही नतीजे होंगे, चौंकाने वाले नतीजे होंगे ना, जो आकांक्षाएँ हैं, जो माहौल है उसके अनुरूप कैसे हो जाएंगे फिर।
ऐसी ही तस्वीर आ रही है। सुप्रिया सुले को जानते होंगे ना, एनसीपी की लीडर है, एनसीपी नेता है। इन्होंने वीडियो साझा किया है अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, चुनाव होने के बाद ईवीएम कहाँ रखी जाती हैं, स्ट्रांग रूम में। स्ट्रांग रूम का कैमरा 45 मिनट तक चुक 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 कोई तस्वीरें नहीं दिख रही। 45 मिनट में क्या हो सकता है स्ट्रांग रूम में, कितनी ईवीएम के साथ हो सकता है? क्लोज मार्जिन वाले सीटें तो किसी को जिताई भी जा सकती है। वीडियो साझा किया है सुप्रिया सुले ने, वीडियो देख लीजिए। हाँ जी, कुछ कुछ काम किया दिमाग, जनसंख्याएं बताई थी, वैसी की वैसी तस्वीरें आ रही हैं ना निकल कर, साम दाम दंड भेद उद्दंड कुछ भी कर ले, इनको जिता दे, कुर्सी बचा ले। हे चुनाव आयोग, आप ही माता पिता और पूजनीय हैं, यही भाजपाइयों की गाथा आजकल चल रही है। और वो चुनाव आयोग बखूबी इस दी हुई जिम्मेदारी को निभाता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीरें दिखाना चाहूँगा झारखंड के सिंहभूम से। क्या है भाई साहब, जो पर्ची बांटी जाती है ना बूथ के ऊपर, वहाँ मोदी जी के कमल का फूल भी साथ चिपकाया जा रहा है और मोदी जी की तस्वीर भी है। वीडियो दिखाना चाहूँगा और अंदाज़ा लगा लीजिए, जो लोग मान लीजिए कम पढ़े लिखे हैं, उनको उनके दिमाग में फीड किया जा रहा है कि देखिए वोट डालने के लिए तो यही आदमी योग्य है, इसी की पर्ची, इसी पे बटन दबा कर आना लगातार। हाँ, तस्वीर देख लीजिए। ये चल रहा है इस देश में, खुले आम नंगा नाच जो केचुआ कर रहा है, वो लोकतंत्र और संविधान बोलने के लिए रह गए, किताबों में लिखने के लिए रह गए। इस देश में सरकार कैसे बनानी है और क्या क्या लूप होल है वो तो हमने देखे ही। मतदान होने से पहले इंदौर हमने देखा, हमने सूरत देखा, हमने खजुराहो देखा, प्रत्याशी एन मुहाने के ऊपर बिक जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट जो होता है वो भी बिका हुआ मिलता है। और मेरे भाई, जब ये 45 मिनट तक ब्लैंक हो गया है कैमरा, यहाँ का जो एजेंट होगा विपक्षी पार्टियों का, जिनको फॉर्म 87 में डाटा भरकर दिया गया है, उनमें डाटा गड़बड़ी भर के दे दिया गया, ईवीएम में वोटिंग कम है, तो जो बढ़ाई जाएंगी वो किसकी होंगी 45 मिनट कैमरा ब्लैंक करके? मेरे से ज़्यादा दिमाग तो आप में ही होगा इस मुद्दे के ऊपर। तो आप तो बहुत कहते हैं कि कितना ही जोर लगा लो ईवीएम है तब तक तो ये हारेंगे नहीं, तो शायद आप सही कहते थे, लग तो ऐसा ही रहा। क्या होगा इस देश की जनता का, लूटते रहो, अंग्रेज़ों वाला नीति आती गई कि इनको नफरत में, पीड़ा में और झूठे और जुमलेबाजी में डुबाए रखो। जयजयकार बोलने वाले होंगे, कुछ उठ रहे, आवाज़ उठा रहे हैं, उनके ऊपर क्रूरता करो, दबाओ उनको, लाठी डंडों से पीटो, पुलिसिया प्रशासन का इस्तेमाल करो, बेइज्जत करो उनको, दिखाओ कि ये जो बातें कर रहे हैं ये बेशक से राष्ट्रहित की हो, लेकिन इसको देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, पत्थरबाज, आतंकवादी सिद्ध करो। यही तो तानाशाही का प्रकरण होता है। इमरजेंसी डिक्लेयर करने की क्या ज़रूरत है, तमाम तंत्र अपने हाथ में ले लो, संविधान को ठेंगे से दिखाओ। ये संविधान को छोड़ने वाले लोग हैं यार, खुलेआम कितनी बार इन्होंने कहा है कि देखिए हमारा तीसरा कार्यकाल बहुत बड़े बदलावों को होगा, एक देश एक कानून एक देश एक चुनाव, ये लेकर जो आएंगे अपने तीसरे कार्यकाल में अगर बन गए तो कैसे चुनाव होंगे, एक ही साथ में ही लपेट देंगे सारे राज्यों को, चुनाव को भी और लोकसभा चुनाव को भी। फिर देखते रह जाना कि देखिए हमारे वोटिंग के अधिकार का हक तो ऐसे ही ठेला जा रहा है, एक फर्जी माहौल बनाएंगे। माहौल बनाना है इनको, आप समझ गए होंगे ना आज की तस्वीरों से, इनको सिर्फ माहौल बनाना है, माहौल भी नहीं बन पा रहा है तो इनके पास और भी बहुत सारे तरीके हैं, मीडिया को गोदी में बैठाकर ये प्रकरण और झूठ और जुमले अपनी बीजेपी आईटी सेल से जो फैलाया जा रहा है उसका असल मकसद ये है कि लास्ट में कोई खेला करके इसी तरह का 45 मिनट कैमरा ब्लैंक करके सत्ताधारियों के विपक्ष में जो विपक्ष वाले खड़े हैं उनके पक्ष में जो वोट जा सकती है उनके वोटिंग को कम करा करके, डरा करके, धमका करके, धूप में खड़े कर करके उनको दिखाना कि देखिए वोटिंग किस लिए करना, जीत तो वहीं रहे हैं, कुछ भी कर लो, ये माहौल बना करके चाहते हैं कि हम ऐसे ही राज करते रहें। कुछ ना कुछ तो करना होगा, सुप्रीम कोर्ट को ही करना होगा, देश की जनता तो एक साथ उठ खड़े होने में कई साल लगते हैं, पिछले भी समय में हमने देखा और अब भी बहुत समय लगता है, काफ़ी हमारे देश की विभिन्नताओं वाला देश है,
सबको बात समझ आने में समय लगता है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही आशार हैं, आकांक्षाएं हैं कि वो जगे और देखे हो क्या रहा है देश में। आप भी बताइए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, हम पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। कमेंट कीजिएगा, नमस्कार। शेयर कीजिएगा, नमस्कार। सब्सक्राइब भी कीजिएगा, नमस्कार।